नमस्ते, मैं डॉक्टर सतीश पत्की, स्त्री रोग तज्ञ और आयुर्वेद स्पेशलिस्ट कोल्हापुर से। तो एक्चुअली आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग केस शेयर करने वाला हूँ। वो जो केस है उसका प्रिंसिपल, उसमें हमने क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी उसको बोलते हैं स्पर्म फ्रीजिंग। तो एक्चुअली स्पर्म फ्रीजिंग ये टेक्नोलॉजी ये है, इसमें जो कपल में से जो हस्बैंड रहते हैं उनका जो सीमेन सैंपल है, वो सीमेन सैंपल हम लेके फ्रीज करके रख सकते हैं। फ्रीज करने का एडवांटेज ये है कि जो स्पर्म उसमें जो रहते हैं, वो स्पर्म की जो एक्टिविटी है वो बहुत सालों तक वैसे ही एक्टिविटी हम वो -199 टेम्परेचर में रख सकते हैं वो स्पर्म को, दैट इज़ द एडवांटेज। तो ये कौन से पेशेंट में हम कर सकते हैं? तो ये जो हमारे पास पेशेंट आया था उसकी केस ऐसी थी कि वो यंग कपल था और बेचारे हस्बैंड को शादी के बाद 6 महीने में ही डिटेक्ट हो गया कि उसको कैंसर है, उसको इंटेस्टाइन का कैंसर है। ये बात जब कपल के और वो फैमिली के ध्यान में आ गई तो वो बहुत टेंशन में आ गए। तो वो कैंसर सर्जन के पास गए, उन्होंने उनको बताया कि अभी उनको हम ट्रीटमेंट वो कैंसर की करने वाले है, वो कैंसर सर्जन, उसमें उसकी सर्जरी, फिर रेडिएशन, फिर केमोथेरेपी सभी उसको देने वाले थे। तो क्या होता है कि ये रेडिएशन के कारण या केमोथेरेपी के कारण वो जो स्पर्म बनने की जो क्रिया रहती है टेस्टिस में, वो जो क्रिया है वो टोटल बंद हो जाती है, उसके कारण उसके स्पर्म बाद में नहीं बनते। तो फिर उसके बाद वो जब ट्रीटमेंट क्लियर हो जाएगी तब उसको अगर बच्चा जब होने की इच्छा हो जाएगी तो बच्चा होगा कैसे, ये उनके सामने सवाल था। तो वो कपल और फैमिली हमारे पास आ गई, तो हमने उनका सीमेन सैंपल था वो लिया और वो फ्रीज करके रख दिया। उसके बाद वो हस्बैंड ट्रीटमेंट के लिए कैंसर सर्जन के पास चले गए, उनकी पूरी ट्रीटमेंट हो गई, केमो हो गया, रेडिएशन हो गया, और उसमें 4 साल बीत गए। 4 सालों के बाद वो हस्बैंड वॉज डिक्लेयर्ड एज क्योर्ड फ्रॉम द डिसीज़, वो अच्छा हो गया। लेकिन उसका सीमेन की जब हमने जाँच की तो काउंट 0 था एज एक्सपेक्टेड। तो उस टाइम हमने उनको एश्योरेंस दिया कि आप फिकर मत कीजिए, आपका जो सैंपल है वो हमारी लैब में अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड है। तो वो सैंपल लेके सिंपल IUI की ट्रीटमेंट करके वो पेशेंट को, उसकी वाइफ को पहले ही साइकिल में प्रेगनेंसी हो गई और 9 महीने के बाद उसको बच्चा भी हो गया। तो इसका एडवांटेज ये है कि फ्रीजिंग, सीमेन फ्रीजिंग के कारण हम स्पर्म कितने भी सालों तक फ्रीज करके उसकी जो क्षमता है वो वैसे ही क्षमता हम रख सकते हैं। इसके इंडिकेशन क्या है कि जो, जैसे मैंने बताया ये केस में जो कैंसर वाले पेशेंट है जिनको रेडिएशन है, केमोथेरेपी है, उसके कारण स्पर्म काउंट कम होने वाले है, ऐसे पेशेंट में हम स्पर्म फ्रीज कर सकते हैं। दूसरी सिंपल इंडिकेशन ये है जो हम ट्रीटमेंट करते हैं IUI या IVF की, उस टाइम कभी कभी हस्बैंड जो रहते हैं वो ट्रीटमेंट के लिए आ नहीं सकते क्योंकि वो फॉरेन में किधर जॉब करते हैं, नहीं तो मिलिट्री में भी जवान रहते हैं वो नहीं आ सकते। तो ऐसे पेशेंट में उनका सीमेन सैंपल हम फ्रीज करके रख सकते हैं। तीसरी बात यह है, कभी कभी अगर हस्बैंड का फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन करने का है, वैसेक्टोमी बोलते हैं, उसके पहले भी उनका सैंपल हम फ्रीज करके रख सकते हैं। तो सीमेन फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी का ये एडवांटेज है कि वो सैंपल हमने फ्रीज करके रख दिया तो वो इस्तेमाल करके बाद में कभी भी प्रेगनेंसी का हम प्रयोग या ट्रीटमेंट उसकी वाइफ के ऊपर कर सकते हैं। तो ये सीमेन फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी है, उसका फ़ायदा हर इनफर्टिलिटी के पेशेंट लोग कर सकते हैं। और एक बात ये है, कभी कभी स्पर्म नहीं मिलते, सीमेन में स्पर्म नहीं मिलते तो हम ऑपरेशन करके टेस्टिस से स्पर्म निकालते हैं उस, और पेस कभी कभी एपिडिडाइमिस से निकालते हैं, उसको बोलते हैं पेसा, टेसा या टेसे। तो ये सभी प्रकार के स्पर्म हम फ्रीज करके रख सकते हैं। तो सीमेन फ्रीजिंग ये इम्पॉर्टेंट साइंस विकसित जो हुआ है उसका फायदा हम ले सकते हैं। इसी प्रकार जो फीमेल्स रहते हैं उनके भी जो एग्स रहते हैं, अंडे जो रहते हैं, वो भी हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। आजकल लड़कियों में ये है कि करियर करने के लिए शादी की उम्र बढ़ती जा रही है, तो उम्र बढ़ने के कारण बीज की क्वालिटी बाद में कम हो सकती है। इसलिए अगर शादी नहीं भी हो गई तो उनके एग्स उनकी अर्ली एज में, यानी कि 28 to 35 उम्र में वो निकाल के फ्रीज करके रख दिए
तो बाद में समझो लेट मैरिज भी हो गया, 40 इयर्स में भी मैरिज हो गया, 42 में भी मैरिज हो गया, तो जो फ्रोजन एग जो रहते हैं वो एग्स तो यंग है क्योंकि वो हमने उनके यंग टाइम में फ्रीज किए हैं, इसलिए वो यंग एग्स लेके अच्छे तरह से बच्चे उनको हो सकते हैं। अदरवाइज 42 की उम्र में उनके खुद के जो एग्स रहते उस टाइम वो ओल्ड हो जाते हैं, उससे प्रेगनेंसी होना डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं सोशल एग फ्रीजिंग। तो ये जो फ्रीजिंग की टेक्नोलॉजी है स्पर्म के लिए भी है और एग्स के लिए भी है, इसका कंप्लीट वापर करके हम इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट को और अदरवाइज हेल्दी पेशेंट में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।